हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, हम जो चाहें ना वो कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, राधिका ब्लॉग्स 42 में आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले आप सभी को, मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को, राधे राधे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग में देखा था, मम्मी पापा आए हुए हैं, मतलब हस्बैंड की थोड़ी तबीयत से डाउन हो गई थी, तो उनको देखने के लिए आ गए थे मम्मी पापा। और मम्मी पापा आए अब 1 से 1.5 साल के बाद मेरे ससुराल में। तो सुबह से बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा यार मम्मी पापा आए हैं तो थोड़ा घुमा कर लेकर आते हैं इनको। और अभी हस्बैंड का वेट ही कर रहे थे हम लोग, भी आए तो इन्होंने चाय वगैरह पी, उसके बाद हम लोग चल दिए। तो देखते हैं कहाँ लेकर जाते हैं। अभी तो जैसे हम गाड़ी में बैठे ना, जैसे ही गाड़ी में बैठे, मयंक पूरे दिन इतनी एक्टिविटी करते हैं। मयंक की थोड़ी आज, मतलब मयंक ने रेस्ट लिया, मयंक स्कूल नहीं गए क्योंकि मयंक को था कि नानी नाना आए हुए हैं, मतलब नानी नाना आ रहे हैं तो मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो सुबह से इतना ज़्यादा थक चुका था ये बच्चा, ये देखो कितनी एक्टिविटी कर रहा था ना, इसकी मैंने एक्टिविटी एक भी कैप्चर नहीं की, बट बहुत ज़्यादा लगा हुआ था सुबह से। और जैसे ही गाड़ी में बैठा वैसे ही इसको नींद आने लग गई। आप लोग देखो, अब तो आँखें, अभी तो नींद में था बट अभी सो गया पूरा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कहाँ लेकर जाते हैं मम्मी पापा को, थोड़ा घुमा कर लेकर आते हैं। और चलो गाइस, कभी कभी ना हम बड़ों को भी बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी दूरी चले थे, मयंक ने बोला मम्मा पार्क है, पार्क में झूले लगे हैं तो मेरे को झूला झूला दो। मैंने कहा चलो यार, मयंक की भी डिमांड पूरी कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पार्क में रुके और मयंक को थोड़ा झूला झुलाया। और अभी मयंक बोल रहे थे कि मम्मा आप मेरे को पकड़ो, मैं आपको पकड़ता हूँ। तो मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ता है कभी कभी ना, अच्छा लगता है, अपना बचपन याद आ जाता है। तो यहाँ पे मम्मी पापा हैं, थोड़े एक दो फोटो शूट वगैरह कराए हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा खेले। तो देखिए आप लोग, आ चुके हैं हम लोग घूमकर, थोड़ा गए थे घूमने के लिए। और अभी थोड़ा भूख लगी थी, कपड़े वगैरह सबने चेंज कर लिए हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ। मतलब किसान पापा ऑफिस आने के बाद तुरंत ही चले गए थे,
तो देखो मैं डिनर में बना रही हूँ दाल चावल सिंपल। इधर चावल भिगाए हुए हैं, इधर दाल है और इधर बन चाय। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और कैसी वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।